सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं लाइटरूम को कलर ग्रेडिंग करने के लिए, ज्यादातर यूज करते हैं लाइटरूम का मिक्स टूल को। एंड मिक्स टूल का दिक्कत क्या होता है कि पहले आप लोगों को गेस करना पड़ता है कि फेस के ऊपर कौन सा कलर है, बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर है, शर्ट के ऊपर कौन सा कलर है। एंड वहां पर कुछ गिने चुने कलर होता है, 7 या 8 कलर, तो बहुत लोग गेस नहीं कर पाते, इसलिए कलर ग्रेडिंग भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा कि आप लोग बस एक टैप करो और कोई सा भी कलर डाल दो, तो बहुत ही एक अमेजिंग सा टूल से बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत लोगों को पता है फिर भी। तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो कर देना एक लाइक। चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चले गए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर मैं लाइटरूम के अंदर फोटो को लेकर आ गया हूँ, एंड आप लोगों को भी आ जाना है सिंपली। एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा कलर वाला टूल पर और यहाँ पर मिक्स टूल। एंड यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो 7-8 कलर मिलता है। एंड मान लो यहाँ पर इसी कलर के अंदर आप लोगों को फेस का कलर चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पर गेस नहीं कर पाते हो कि फेस के अंदर कौन सा वाला कलर है, मतलब यहाँ पर जो कलर है भाई, कौन सा कलर को छेड़छाड़ करने से फेस का कलर थोड़ा सा चेंज होगा या व्हाइट होगा। तो देखो यार, फेस का कलर जो होता है वो यहाँ पर होता है रेड और यहाँ पर ऑरेंज। ये दो कलर को छेड़छाड़ करने से आपका फेस का कलर व्हाइट कर सकते हो या फेस का कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों को ये गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाला टूल्स दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो इस टूल की मदद से। एंड ये वाला टूल्स के अंदर आप लोग एक ही टैप के अंदर दो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को दो कलर को अलग अलग, मतलब मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सिंपली गाइस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो डन का जो बटन है उसके पास एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को तीन टूल्स मिलता है, ह्यू, सैचुरेशन, लुमियंस। इसका काम क्या है मैं पहले बता देता हूँ। ह्यू का काम है कलर को चेंज करना, ठीक है। एंड सैचुरेशन का काम है भाई, आप लोगों को पता ही है भाई, कलर को कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है। और यहाँ पर लुमियंस का काम है लाइट को कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो फेस है मेरा, मैं पहले फेस को दिखा देता हूँ। यहाँ पर फेस को मान लो यहाँ पर मुझे व्हाइट करना है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ कि तीनों यहाँ पर जो टूल से काम क्या क्या है। तो यहाँ पर फेस को व्हाइट करने के लिए सिंपली लुमियंस आप लोगों को चूज़ करना है और फेस के ऊपर सिंपली आप लोगों को टैप करना है, टैप करके रहना है, ठीक है। आप लोगों को छोड़ नहीं देना है भाई, टैप करके रहना है। एंड आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर नीचे या लेफ्ट साइड या राइट साइड कर सकते हो, ऐसे करके आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ऊपर ले जाओ तो देख सकते हो व्हाइट हो रहा है, नीचे ले जाओ तो ब्लैक हो रहा है। तो सिंपली थोड़ा सा मैं यहाँ पर व्हाइट कर लेता हूँ फेस को। तो यहाँ पर लगभग मैं व्हाइट करता हूँ यहाँ पर 20 तक, ठीक है। और यहाँ पर 20 तक कर लिया हूँ, तो फेस का कलर यहाँ पर मैं व्हाइट कर लिया हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। फेस का कलर जो है वो ठीक ही है, अगर ठीक नहीं है तो सिंपली आप लोग ह्यू पे आके यहाँ पर सिंपली टैप करके कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा चेंज कर ही लेता हूँ -6 तक, ठीक है। एंड सैचुरेशन भी हल्का सा कम कर देता हूँ। तो आप लोगों को ऐसे करके करना है, मतलब टैप करना है, टैप करके ऊपर नीचे लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को टैप करके छोड़ना नहीं। तो ये कर लिया हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ किस तरीके से करना है, इसका मतलब यूज़ करने का तरीका दिखा दिया हूँ। एंड आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। वो ऐसा ही सेम तरीका है, यहाँ पर ह्यू को पहले सिलेक्ट कर लो और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो जो भी कलर चेंज करना है आप लोगों को उसी कलर के ऊपर टैप करके ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसको चेंज करके मुझे येलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ग्रीन कलर के ऊपर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे की तरफ ले आता हूँ। देख सकते हो गाइस, नीचे की तरफ ले आने से यहाँ पर येलो आ रहा है एंड ऊपर की तरफ ले आने से ग्रीन हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर ऊपर नीचे करने से यहाँ पर आप लोग गाइस ध्यान देना, एक साथ दो दो कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था, एक साथ दो दो कलर चेंज होगा। आप लोगों को वहाँ पर एक एक करके चेंज करना पड़ता है और यहां पर एक साथ दो दो कलर चेंज होगा। एंड यहां पर गेस भी नहीं करना पड़ता है, बस आप लोगों को जो भी कलर चेंज करना है बस उस कलर के ऊपर टैप करके बस इधर उधर कर दो भाई, हो गया एडिटिंग। बस ऐसा होता है भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत ही भाई सिंपल है, जो लोग मतलब नया नया एडिटिंग करना है सीख रहा है एंड जिन लोगों को मिक्स टूल के बारे में नहीं पता है वो लोग के लिए बहुत सिंपल है। एंड ह्यू को चेंज कर दिया हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर येलो कर दिया हूँ। एंड सैचुरेशन यहाँ पर आऊँगा, सैचुरेशन पर क्लिक कर दूंगा एंड सैचुरेशन भी हल्का सा डाल देता हूँ यहाँ पर। देख सकते हो डिक्रीज करने से ऐसा हो जाता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। एंड थोड़ा सा सैचुरेशन यहाँ पर डालता हूँ, मैं यहाँ पर डालूंगा लगभग इतना, ठीक है। तो ये भी हो गया है। एंड पैंट का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, तो ह्यू के ऊपर जाना है और यहाँ पर पैंट के ऊपर टैप करूंगा और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कुछ इतना। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। यहाँ पर कितना मुझे 2 मिनट लगा है आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन आप लोग चाहे तो यहाँ से 1 मिनट के अंदर ही एडिटिंग कर सकते हो, मतलब आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ से बच जाएगा।
बहुत लोगों को इस टूल के बारे में पता है लेकिन यूज नहीं करता है, सोचता है कि भाई फालतू टूल से, लेकिन भाई बहुत ही एक अमेजिंग सा टूल से, देख सकते हो गाइस आप लोगों को मैं सामने ही दिखाया हूँ। एंड गाइस मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ एक बार बिफोर वाला, तो गाइस ये देख सकते हो बिफोर वाला और गाइस ये देख सकते हो आफ्टर वाला। तो गाइस ये वाला टूल की मदद से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, एंड बहुत ही सिंपल है ये वाला टूल्स जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया। एंड इस टूल की मदद से आप लोग अगर एडिटिंग करोगे तो आप लोगों का टाइम भी बहुत बच जाएगा, ठीक है। हाँ गाइज, और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस फोटो का ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले ये बात समझ लो भाई, ठीक है। आप लोगों को मैं सिर्फ दिखाया हूँ इस टूल के बारे में, मतलब इस टूल को यूज़ करने से आप लोगों का फायदा क्या क्या है और आप लोग कितना जल्दी एडिटिंग कर सकते हो ये वाला टूल्स यूज़ करके। तो गाइज ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कर देना एक लाइक, और ये वाला टूल्स आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है आप लोगों को ये वाला टूल्स, ठीक है, दिल से कमेंट करके बताना। और ये वाला वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत लोग लाइटरूम यूज़ नहीं कर पाते, मतलब लाइटरूम को यूज़ करके कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाते अपने फोटो को, तो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।